क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा भैया आपके पास 2 मास है 10 kg। पहली बात तो भाई प्लीज एक बार ध्यान रखना, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है जी मास अपॉन में उस पॉइंट की दूरी। ये वेक्टर क्वांटिटी होता है, आपको याद होगा मैंने बताया था वेक्टर क्वांटिटी। डायरेक्शन क्या होती है? डायरेक्शन ऑलवेज टूवर्ड्स टूवर्ड्स मास। इसकी डायरेक्शन हमेशा क्या होती है? मास की तरफ होती है। अगर मैं बोलूंगा ये मास एम है, आर डिस्टेंस पर इस पी पॉइंट पर आप इसकी इंटेंसिटी बताइए, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी बतानी है आपको कहां पर? पी पॉइंट पर। इस एम मास की इस पी पॉइंट पर जो कि आर डिस्टेंस पर है इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी बतानी है। तो कैसे बताएंगे भैया? इसकी तरफ आएगी। डायरेक्शन क्या होगी? इस मास की तरफ होगी। और उस इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होगी? आई इक्वल्स टू में जी। मास कितना है? एम। और दूरी कितनी इस पॉइंट की? आर। क्या है? आर। ठीक है भैया, स्क्वायर, कोई दिक्कत तो नहीं है? तो ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और डायरेक्शन टुवर्ड्स दी मास होती है। मास होती है, मास की डायरेक्शन होती है। ठीक है भैया, आगे बढ़े क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा भैया 2 मास है, 28 दो मास है, एक मास क्या 10 किलो, दूसरा मास क्या है 1000 किलो, दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 1 मीटर। क्या है? 1 मीटर। बताना भैया कि किस पॉइंट पर इनकी ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी? जीरो। किस पॉइंट पर इनकी इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होगी? जीरो। तो मैंने मान लिया पी पॉइंट पर इनकी इंटेंसिटी की वैल्यू क्या है? जीरो। पी पॉइंट पर तो इसकी इंटेंसिटी क्या होगी? इसकी तरफ। इसको ए कर दो, इसको बी कर दो, तो इंटेंसिटी ड्यू टू ए क्या होगी? उसकी तरफ होगी। इसकी ग्रेविटेशन ए वाले जो 2 की 10 किलो 10 kg का है उसकी पी पॉइंट पर जो इंटेंसिटी होगी उसकी तरफ होगी, और बी पॉइंट पर जो 1000 kg है उसकी इंटेंसिटी क्या होगी? उसकी तरफ होगी। अब देखिए पी पॉइंट पर जीरो होने का मतलब क्या है? पी पॉइंट पर कुल इंटेंसिटी जीरो होने का मतलब है कि दोनों ही इंटेंसिटी आपस में क्या है? क्या है? बराबर है। क्या है? आई ए इक्वल्स टू में आई बी। तो भैया हमने मान लिया इस पी पॉइंट की दूरी इस मास से कितनी है? एक्स कितनी है, और बी से कितनी होगी? 1 माइनस एक्स। क्या हो जाएगी? अब पी पॉइंट की अगर 10 kg मास से तो दूरी क्या है भैया? एक्स है। तो पी पॉइंट की 1000 kg मास से क्या होगी? 1 माइनस, क्योंकि दोनों के बीच में दूरी क्या है? 1 मीटर है। क्या है? अगर एक से एक्स होगी तो दूसरे से क्या होगी? 1 माइनस एक्स। अब देखिए ए पॉइंट की इंटेंसिटी इस वाले मास की इंटेंसिटी का बता रहा हूं मैं, ठीक है? अच्छा दोबारा से बोल रहा हूं, अगर पी पॉइंट पर कुल ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी जीरो है तो इसका मतलब ये वाली इंटेंसिटी जो कि इसकी है और ये वाली इंटेंसिटी जो कि इसकी है दोनों आपस में क्या होंगी? बराबर होंगी। और अपोजिट, बराबर अपोजिट एक दूसरे को क्या करती है? जीरो कर देती है। दो वेक्टर क्वांटिटी अगर एक दूसरे के बराबर है, एक दूसरे से अपोजिट है, तो वे एक दूसरे की वैल्यू को क्या करती है? जीरो कर देती है। क्या करती है? तो आई ए इसकी इस मास की इंटेंसिटी है, आई बी इस मास की इंटेंसिटी है, और इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है। तो आई ए क्या होगा बताइए? जी मास कितना है? 10। और दूरी कितनी है उसकी पी पॉइंट से? एक्स स्क्वायर। क्या होगी? एक्स लिखा ना तो मैंने एक्स स्क्वायर कर दिया। दूसरा बी 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 की इंटेंसिटी क्या होगी? तो जी मास कितना है भैया? 1000। दूरी कितनी है उसकी? 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो भैया ये कैंसिल, ये कितनी बार गया? 100 बार। इसको इसको 1 माइनस एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर लिख सकते हो इसको। अब इसको धल लिया होगा ना, तो 1 माइनस एक्स तो दोनों का स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर दिया। इधर क्या होगा? 100। तो उधर जाएगा स्क्वायर तो क्या होगा? 10 बचेगा। 1 माइनस एक्स अपॉन में एक्स बराबर में क्या होगा? 10। इसको सॉल्व करोगे तो आपका एक्स इक्वल्स टू में क्या होगा? 1/11। ये आंसर है आपका। इतनी दूरी पर आपकी ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी? जीरो। कोई दिक्कत तो नहीं है? क्वेश्चन समेत कॉपी करना, नोट्स मिल जाएंगे आपको। ठीक है, आगे बढ़ू? बोलो। हाँ ये वाला क्वेश्चन देखिए भैया, क्वेश्चन नंबर 32। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। कह रहा है भैया 3 मास है, तीनों मास की वैल्यू क्या इक्वल है, और तीनों मास इक्विलेटरल ट्राइंगल के वर्टिसेस पर रखे गए। कहाँ रखे गए? इक्विलेटरल ट्राइंगल के
वर्टिसेस पे, आपको बताना है कि इसके सेंट्रोइड पर कुल ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी और साथ साथ में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बताना है। तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला तो अपन ने पढ़ लिया, क्या है, आई इक्वल्स में जी मास अपॉन में दूरी का स्क्वायर, अच्छी जी एक्स स्क्वायर, और पोटेंशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो होता है माइनस जी एम अपॉन में, अगर आपको याद होगा आर, ये था ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ये वेक्टर होता है और ये होता है स्केलर, ये क्या होता है। अब आपको याद है वेक्टर में, वेक्टर दो वेक्टर क्वांटिटी को जोड़ने के लिए आप पैरेललोग्राम लो या ट्राइंगल लो का इस्तेमाल करते हो, वेक्टर की तरह ऐड करते हो, और स्केलर है तो उसको डायरेक्टली ऐड कर दो, अगर दो तीन चार पांच है सीधा जोड़ दो, अगर वेक्टर नहीं है तो, अगर कोई क्वांटिटी वेक्टर नहीं है तो उसको आप डायरेक्टली ऐड कर सकते हो, यदि कोई क्वांटिटी वेक्टर है तो उसको जोड़ते वक्त जोड़ने के लिए आप इसका इस्तेमाल करोगे वेक्टर एडिशन लॉ का, ट्राइंगल लॉ या पैरेललोग्राम लॉ, जिसका फॉर्मूला क्या होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा, याद नहीं याद है। चलो भैया देखिए, मैं इस फॉर्मूले को परली साइड में बना रहा हूं, ध्यान दीजिए, सॉरी डायग्राम को, ठीक है, ये रहा साइड के एल, मास इधर रखा है, इधर रखा है, इधर रखा है, आपको बता दूं अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इस पॉइंट, भाई प्लीज बोलिए मत, इसको ए पॉइंट कर दीजिए, इसको बी, और ये क्या है भैया सी, तेरे को नहीं कह रहा वो पीछे मीठे हो रहा, साइड एल है, अगर एक ट्राइंगल जिसकी साइड एल है तो उससे सेंट्रोइड की दूरी क्या होती है वर्टिसेस से, तो एल अपॉन में अंडर रूट थ्री, ध्यान रखना क्या है, निकाल दो, लेकिन ये ज्यादा बढ़िया रहेगा कि आप इसको रट लो, निकालने को आप राइट एंगल ट्राइंगल बना करके निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कैसे निकालोगे तो भाई यहाँ पे एक लाइन खेद देना, ये क्या हो जाएगा एल बाय में टू, ये एंगल क्या होगा 30 डिग्री, हाइपोटेनियस निकालना, बेस पता है एंगल पता है, कॉस थीटा से निकाल दोगे आपका एल एल अपॉइंटमेंट रूट थ्री आएगा, लेकिन याद कर लो ज्यादा बेटर रहेगा क्योंकि आसान रहता है, ठीक है, क्योंकि लड़कियों के लिए ज्यादा यूजफुल रहेगा क्योंकि वो ज्यादा दिमाग लगाना प्रेफर नहीं करते, ठीक है। तो भैया देखिए यहां पर ध्यान रखना, सबका दूरी, इस मास की भी दूरी, इस मास की भी दूरी और इस मास की भी दूरी क्या है, इस ओ पॉइंट जो कि सेंट्रोइड है उससे दूरी क्या होगी, ए ओ बराबर में सी ओ बराबर में बी ओ बराबर में एल अपॉन में अंडर रूट थ्री है, सबकी दूरी कितनी है सेंट्रोइड से, इतनी है, कोई दिक्कत तो नहीं है, अपने को क्या निकालनी है इंटेंसिटी क्या निकालनी है, तो भैया बता दू मास क्या है एम, दूरी कितनी है एल अपॉन में अंडर रूट थ्री, मास क्या है एम, दूरी कितनी है एल अपॉन में अंडर रूट थ्री, मास क्या है एम, दूरी क्या है ओ पॉइंट से एल अपॉन में अंडर रूट थ्री, तो भैया हमें पता है जब सबके सब मास सेम है और उस पॉइंट से सबकी दूरी सेम है तो सबकी इंटेंसिटी भी क्या होगी, तो इस वाले की बी वाले की इंटेंसिटी क्या होगी, इसकी तरफ आएगी इस पॉइंट से, बोलो हाँ, क्योंकि मैंने बोला था इंटेंसिटी ऑलवेज टुवर्ड्स द मास, मास की तरफ होता है, इस वाले मास की इंटेंसिटी क्या होगी, उसकी तरफ आएगी आई ए, कोई दिक्कत तो नहीं, इस वाले मास की इंटेंसिटी क्या होगी, इसकी तरफ आएगी आई सी, अपने को पता है भैया यहां पर सब कुछ सेम है तो आई ए बराबर में आई बी बराबर में आई सी बराबर में हमने क्या ले लिया आई, और आई की वैल्यू मैं आपको बता दूं तो यहां पर आई की वैल्यू क्या होगी जी, प्रत्येक मास की वैल्यू क्या है एम, और प्रत्येक मास की दूरी कितनी है एल अपॉन में अंडर रूट थ्री, एल अपॉन में अंडर रूट थ्री का होल स्क्वायर करोगे क्योंकि आप इंटेंसिटी की बात करें, ठीक है वाह, ये ऊपर जाएगा तो थ्री जी कैपिटल एम अपॉन में एल स्क्वायर, कोई दिक्कत तो नहीं है, सबकी ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी क्या है ओ पॉइंट पर इतनी है, आपको कुल ही निकालनी है, क्या निकालनी है, ठीक है, ये डायग्राम बन गया, कोई दिक्कत तो नहीं है, हो गया, एक नीचे आ रहा है आई, आई सी है ना, इसकी वैल्यू आई है, एक इधर जा रहा है, ये क्या है आई बी, इसकी वैल्यू भी क्या है अभी आई, और एक ऊपर जा रहा है, इसकी वैल्यू क्या आई है, इसकी वैल्यू भी क्या आई, अपने को पता है भैया क्या बेटा, ठीक है भाई हो गया, अच्छा यहां पर तीन वेक्टर है, तीनों वेक्टर को जोड़ना है और तीनों वेक्टर की लाइन क्या है अलग अलग है, जब ऐसी कंडीशन आती है कि तीन वेक्टर हो, दो वेक्टर हो, तीन वेक्टर हो, चार वेक्टर हो, अगर उनकी लाइन अलग अलग है, एक लाइन में तो डायरेक्टली ऐड कर दो, कोई दिक्कत नहीं,
अगर एक पापा भी उसी डायरेक्शन में धक्का दे रहे हैं 4 न्यूटन फोर्स, बेटा भी उसी डायरेक्शन में धक्का दे रहा है 4 न्यूटन फोर्स, और मम्मी भी उसी डायरेक्शन में धक्का दे रही है 4 न्यूटन फोर्स, तो उस डायरेक्शन में कुल कितना फोर्स लग रहा है? तो भैया क्या करोगे, ऐड कर दोगे, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, फिर भी आपने डायरेक्टली इसको ऐड कर दिया। रीजन क्या है? क्योंकि भैया सबकी डायरेक्शन क्या थी, एक थी, लेकिन यहाँ पे सबकी डायरेक्शन क्या है, अलग अलग है, तो कैसे ऐड किया जाए, समस्या आ गई ना। तो भैया आपको बता दूं, यहाँ पर हमने क्या किया, इन दोनों का रिजल्ट निकाल लिया, क्या किया, वो आया I4, क्या है, रिजल्ट ऑफ, किसका रिजल्ट है, रिजल्ट ऑफ I2, ये क्या है, आईसी एंड आईबी और आईसी का रिजल्ट निकाल लिया हमने, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा आईसी भी आई है, आईबी भी आई है, अच्छा इन दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, कोई बताएगा मुझे, 120 डिग्री का, 100, क्योंकि ये आपको पता पूरा एंगल कितना होगा, 360 का, कितना होगा, वो तीन इक्वल पार्ट में, तो 120 का ही होगा नीचे वाला, ठीक है, ये हो गया 120 डिग्री का एंगल, ठीक है। अब 120 डिग्री का हो गया तो I4 क्या आएगा, I4 इक्वल्स टू में अंडर रूट आई, ये वाला इसका स्क्वायर कीजिए, ये भी क्या आया, तो इसका भी स्क्वायर कीजिए, ये 2 I I, तो क्या होगा, आई स्क्वायर हो जाएगा, फिर बीच में क्या पीछे क्या आएगा, कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या 120, और कॉस 120 होता है माइनस हाफ, क्या होता है माइनस हाफ, 202 क्या हुआ, कट मर गया, ये हो जाएगा आपका अंडर रूट आई स्क्वायर, आई स्क्वायर, और इधर क्या होगा माइनस आई स्क्वायर, ये भी कट गया, तो अंडर रूट आई स्क्वायर क्या होता है, आई के बराबर होता है, क्या होता है, यानी आपने इन दोनों का जो रिजल्ट निकाला, आई फोर की वैल्यू भी क्या आ रही है, आई आ रही है, ये भी क्या आ गया। अब देखिए इन दोनों का रिजल्ट निकालने पर ये आ गया, तो अब इन दोनों का कोई काम नहीं रह गया, खत्म हो गया, इनका कोई मतलब नहीं है, अब अपने पास केवल दो बचे, एक I4 बचा है और एक IA बचा है, फोर क्यों कर रहा हूँ यार, ID कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, चला I4, तो हेयर मालिक, अब इसके बाद यहां पे आ रहा हूं, हेयर I4 एंड IA आर इक्वल, दोनों ही क्या भैया, आर इक्वल एंड क्या हो रही है, एंड अपोजिट, क्या हो रहा है, अपोजिट, सो दे कैंसल टू ईच अदर, कैंसल टू ईच अदर, एक दूसरे को क्या करेंगे भैया, कैंसिल कर देंगे, सो टोटल ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट ओ इक्वल्स में क्या जाएगा, जीरो, क्या जाएगा, समझ गए भैया। तो ये तो मैं डायरेक्टली बोल सकता था, लेकिन आपको पता नहीं था, आप कहीं पर भी सिमेट्रिक बॉडी देखोगे, ये सिमेट्रिक है, चारों ओर मास क्या है सेम है, आप चाहे इसको यहां से देखो, चाहे इसको यहां से देखो, चाहे इसको जहां से देखो, हर जगह से बॉडी क्या दिखने वाली है, सेम दिखने वाली। तो जहां पर भी आपको सिमेट्रिक बॉडी देखिए मिले, और उसके सेंटर पर आपको निकालना क्या, ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी, आप सीधा आंसर क्या लिखोगे, जीरो, क्या लिखोगे, एक स्क्वायर भी, जैसे ये बॉडी है, ये भी क्या भैया सिमेट्रिक है, कहीं से भी देखोगे एक जैसी दिखेगी आपको, इसके सेंटर भी क्या होगा, इंटेंसिटी क्या होगी, जीरो, समझ गए। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है इसको, अब देखिए अब इसके सेंटर पर अपने को पोटेंशियल भी निकालना है, क्या निकालना है, ग्रेविटेशन पोटेंशियल, तो ग्रेविटेशन पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी होती है, ध्यान दीजिए, नाउ पोटेंशियल एट पॉइंट टू, पोटेंशियल भी निकालो ना, पोटेंशियल, तो पोटेंशियल एट पॉइंट ओ इक्वल्स टू में पोटेंशियल ड्यू टू ए, पोटेंशियल ड्यू टू बी, पोटेंशियल ड्यू टू सी, हमने डायरेक्टली ऐड क्यों कर दिया, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है पोटेंशियल, पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या था, माइनस जी, मास क्या है एम, सबकी दूरी क्या है एल बाय में रूट थ्री, कोई दिक्कत तो नहीं है, ऐसी तीन बार लिखूंगा, लिखने की बजाय हमने क्या किया, तीन से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, तो इसे सॉल्व करने की बजाय सोल्व करोगे तो आएगा 3√3gm/L, ये आंसर आ गया, खत्म, टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट टू, ये आ गया, समझ गया। अब बात करते हैं इसकी, ठीक है, कह रहा फाइंड द पोटेंशियल, 33वां क्वेश्चन नंबर 33, ये जो अभी आंसर निकालता हूं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 में कह रहा भैया आपको पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है पूरे सिस्टम की, याद है आपको, चार सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकाली थी मैंने, इसको लेके आओगे, ये अगर अकेला था तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, जीरो, याद है,
लेकिन जब ये आ गया था ये आएगा, ये इसको खींचेगा, तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, क्या होगी भाई, माइनस जी, इसका मास क्या सेम है, तो क्या होगा एम स्क्वायर, दूरी क्या दोनों के बीच में, एल, समझ गया। लेकिन जब ये आएगा तो इसके पास ये, इसको ये भी खींचेगा अपनी तरफ और इस वाले मास को ये भी खींचेगा, नीचे वाला भी, तो इसके पास एनर्जी कितनी होगी बताइए। एक तो ये खींच रहा है तो होगा जी एम स्क्वायर और दूरी क्या है, अंडर रूट 2L, क्योंकि आपको बता दूं उसकी साइड एल एल है, स्क्वायर की साइड अगर एल है तो हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट 2L क्या होगी, तो यहां से लेके यहां तक के बीच की दूरी क्या, अंडर रूट 2L, कोई दिक्कत तो नहीं है, तो ये हो गया। और इसने जब खींचा तो इसकी, इसने कितनी एनर्जी लगाई, माइनस जी एम स्क्वायर, दूरी कितनी है दोनों बीच में, एल, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा जब ये वाला मास आएगा तो इसको ये भी खींचेगा, इसको ये भी खींचेगा और इसको ये भी खींचेगा, बोलो हाँ, तीनों मास खींचेंगे तो इसके पास एनर्जी कितनी आएगी। एक तो जब इसने खींचा, इसने इसको खींचा तो क्या हुआ, माइनस जी, मास कितना है एम स्क्वायर, दूरी कितनी है एल, ये खींचेगा, ये वाला मास जब खींचेगा इसको तो क्या होगा, माइनस जी एम स्क्वायर, दूरी कितनी है एल, अच्छा ये वाला मास जब खींचेगा इसे, ये वाला मास, तो क्या होगा, माइनस जी एम स्क्वायर, दूरी कितनी होगी, अंडर रूट 2L। अब आपको निकालनी टोटल एनर्जी, क्या निकालनी है, टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी क्या होगी, जीरो प्लस दिस, इसको यू वन कर लो, इसको यू टू कर लो, इसको यू थ्री कर लो, यू वन प्लस यू टू प्लस यू थ्री, तीनों को जोड़ लो, ये आ गया आपका टोटल पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की आ गई, समझ गया भैया, कराया था मैंने आपको, ठीक है डिटेल में। उसके बाद अगर आपको ओ पॉइंट पर पोटेंशियल पूछेगा तो क्या करोगे, तो अपने को पता है इसका पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल, पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी होती है, समझ गया, सीधा सबका निकाल करके ऐड कर देंगे, क्योंकि हमें पता है सबका मास क्या सेम है, सबकी दूरी इस पॉइंट से क्या सेम है, तो एक का निकाल के चार से गुणा कर देंगे, तो पोटेंशियल एट पॉइंट ओ क्या हो जाएगा, चार गुणे में पोटेंशियल ड्यू टू सिंगल, तो चार पोटेंशियल ड्यू टू सिंगल क्या होगा, माइनस जी, मास क्या भैया एम, और दूरी कितनी है भैया इसकी, ये पूरी क्या है अंडर टू एल, तो आधी कितनी होगी, एल अपॉइंटमेंट अंडर टू, अंडर टू एल का आधा होता है एल अपॉइंटमेंट, देखिए ये पूरा कितना है अंडर टू एल, क्या है, मुझे पता, मुझे तो इस पॉइंट पर निकालना ना पोटेंशियल, तो आधी दूरी चाहिए, आधी दूरी क्या होती है, अंडर टू एल का आधा क्या होता है अंडर टू एल डिवाइड बाय टू, तो अंडर टू एल डिवाइड बाय टू क्या होगा, एल अपॉइंटमेंट अंडर टू हो जाएगा, क्या होगा, एल अपॉइंटमेंट अंडर टू, आंसर आ गया, पोटेंशियल का भी आ गया, समझ गया। तो ये आसान क्वेश्चन है, ये सब खामखा टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन होते हैं, बस आगे बढ़ू, ये क्वेश्चन है सबसे बढ़िया, एग्जाम्पल नंबर 34, 34वां क्वेश्चन देखिए, आईआईटी में आता है, आईआईटी एडवांस में आता है, ठीक है, बढ़िया क्वालिटी का क्वेश्चन है, गुड क्वालिटी, गुड क्वेश्चन, क्या है, गुड क्वेश्चन, क्या कह रहा भैया, दो बॉडी है, एक का मास क्या है M1, दूसरे का मास क्या है M2, क्या है, दोनों के सेंटर के बीच की दूरी क्या है R, दोनों के बीच की दूरी क्या है R, कह रहा भैया इन दोनों के बीच में एक पॉइंट P है, क्या है, जहां पर दोनों की ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या है, जीरो, क्या है, आपको उस पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है, क्या निकालना है, और वो पोटेंशियल आना चाहिए आपका ये, समझ गए, अब आप नीचे सॉल्यूशन देख रहे होगे इसका, नहीं नहीं देख रहे हो, देख लो, डर लग रहा है ना सॉल्यूशन देख के, लेकिन बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है, करते हैं इस क्वेश्चन को, तो इसके लिए मैं स्क्रीन छोटी कर रहा हूँ, ठीक है, वरना नहीं हो पाएगा, क्वेश्चन याद आ गया ना, चलो एग्जाम्पल नंबर 34, 34 करना है, ठीक है,
देखिए ध्यान दीजिए भैया, ये मास कितना है एम1, इससे आर डिस्टेंस पर एक मास क्या है एन2। मैंने मान लिया इस पी पॉइंट पर दोनों की वजह से पोटेंशियल क्या है जीरो, दोनों की वजह से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल सही ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी क्या जीरो है। तो अपने को पता है पहले वाला मास की इंटेंसिटी क्या होगी, इधर की तरफ होगी, दूसरे वाले मास की इंटेंसिटी क्या उधर की तरफ होगी, दोनों एक दूसरे के बराबर होंगी तभी इंटेंसिटी क्या होगी जीरो। इससे दूरी क्या मान लीजिए एक्स, तो उससे दूरी कितनी होगी आर माइनस एक्स। बोला हाँ, M1 से अगर इस P पॉइंट की दूरी x है तो M2 से उस पॉइंट की दूरी क्या होगी, समझ गया भाई। तो पोटेंशियल एट पॉइंट P क्या है भैया, सॉरी इंटेंसिटी एट पॉइंट P क्या है भैया, इंटेंसिटी एट पॉइंट P जीरो रखी है, तो इंटेंसिटी जीरो रखी है इसका मतलब I1 बराबर में क्या है I2। I1 क्या होगा तो जी M1 दूरी कितनी है उससे x पर, और I2 क्या होगा जी M2 दूरी कितनी है आर माइनस एक्स। जी ये कैंसिल हो गया, इसको परली साइड मिला ऊपर जाता, तो आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर बराबर में क्या हुआ M2 अपॉन में M1 आर माइनस एक्स अपॉन में एक्स बराबर में क्या हुआ अंडर रूट M2 स्क्वायर, उधर गया ये वाला स्क्वायर उधर गया, दोनों का स्क्वायर है ना, इसको होल स्क्वायर लिख दो। इसका दोनों का स्क्वायर है ना, तो आर माइनस एक्स अपॉन में एक्स का होल स्क्वायर, और ये क्या हुआ M2 अपॉन में M1 आर माइनस एक्स अपॉन में एक्स, क्या हो जाएगा स्क्वायर उधर गया तो अंडर रूट M2, और इधर क्या होगा अंडर रूट M1। बोला हाँ, अब इसको हमने लिख दिया आर अपॉन में एक्स, और एक्स अपॉन में एक्स क्या होगा वन हो जाएगा, एक्स अपॉन में एक्स वन हो जाएगा, ऐसे काटा है ठीक है, अंडर रूट M2 अंडर रूट M1, ये वन पल्ली साइड में गया, तो आर अपॉन में एक्स इक्वल्स टू में क्या हुआ अंडर रूट M2 अंडर रूट M1 प्लस वन हो जाएगा, आर अपॉन में एक्स क्या हो गया अंडर रूट M1 प्लस अंडर रूट M2 अपॉन में अंडर रूट M1, है ना। तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, इसको पल्ली साइड में लाओ, एक्स को उरली साइड में लाओ, ठीक है, आर अंडर रूट M1 अंडर रूट M1 प्लस अंडर रूट, यानी M1 मास की दूरी क्या है उस पॉइंट से एक्स थी, और एक्स की वैल्यू अपनी ये निकल आई। अब M2 की दूरी कितनी है आर माइनस एक्स है, सुनाओ आर माइनस एक्स क्या होगा, आर एक्स की वैल्यू क्या रखी है आर माइनस अंडर रूट M1 अंडर रूट M1 प्लस M2, कोई दिक्कत तो नहीं है, एक्स की वैल्यू यहां डाल दी, तो आर कॉमन ले लीजिए, अंदर क्या बचेगा वन माइनस आर अंडर रूट M1 अंडर रूट M1 प्लस अंडर रूट M2, कोई दिक्कत तो नहीं भैया। अच्छा अंडर रूट M1 अंडर रूट M1 प्लस अंडर रूट, एलसीएम ले लो, आर माइनस एक्स की वैल्यू क्या आने वाली है आर अंडर रूट M2, सॉल्व करोगे तो आएगा M1 प्लस M2। ये भैया कोई दिक्कत तो नहीं है, ये होगी आपकी एक्स की वैल्यू, और ये क्या होगी आर माइनस एक्स, यानी M2 की दूरी आपको पता लग गई उस पॉइंट से, और सॉरी M1 की दूरी आपको पता लगी फ्रॉम फ्रॉम ये क्या है भैया फ्रॉम M1, और ये दूरी क्या है फ्रॉम P पॉइंट की दूरी M1 से इतनी है, और P पॉइंट की दूरी M2 से क्या इतनी है। अपने को क्या निकालना पोटेंशियल, क्या निकालना है P पॉइंट, नाउ पोटेंशियल, नाउ पोटेंशियल एट पॉइंट P क्या हुआ पोटेंशियल ड्यू टू पहला मास प्लस पोटेंशियल ड्यू टू दूसरा मास, क्योंकि पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है जी, मास कितना है M1 माइनस लगता है पोटेंशियल के आगे, दूरी कितनी है उससे M1 की दूरी क्या है उस पॉइंट से एक्स है, और एक्स की वैल्यू क्या रखी है, एक्स की वैल्यू क्या रखी है री आर अंडर रूट में M1, और ये चीज नीचे वाली कहां की लेगी ऊपर अंडर रूट M1 प्लस अंडर रूट M2। बोला हाँ, अब पोटेंशियल दूसरे मास की, तो जी मास क्या है भैया M2 दूरी कितनी है उसकी, ये आ रहा है आर माइनस एक्स है, उसकी दूरी कितनी है भैया आर माइनस एक्स है, आर माइनस एक्स की वैल्यू रखिए आर अंडर रूट में M2, और ये नीचे वाला क्या होगा ऊपर चले जाएगा क्या होगा अंडर रूट M1 प्लस अंडर रूट M2, ये और ये क्या हुआ कैंसिल हो गया, तो ऊपर क्या बचा अंडर रूट M2। बोला हाँ, ये और ये कैंसिल हो गया तो क्या हुआ अंडर रूट M1,
ठीक है, कॉमन क्या क्या जा रहा है, तो माइनस जी आर और अंडर रूट एम वन प्लस अंडर रूट एम टू, अंदर क्या बचेगा, इधर अंडर रूट एम वन, इधर क्या बचा अंडर रूट माइनस, और ये सब कॉमन ले लेते इधर प्लस, समझ गया भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है। एक देखिए माइनस जी अपॉन में आर, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए प्लस बी, दोनों सेम है, तो क्या होगा अंडर रूट एम वन प्लस अंडर रूट एम टू होल स्क्वायर, तो माइनस जी अपॉन में आर, इसका स्क्वायर करो तो क्या होगा एम वन होगा, इसका स्क्वायर करो तो क्या होगा एम टू होगा, और फिर टू अंडर रूट एम वन अंडर रूट एम टू, ये आ गया पोटेंशियल एट पॉइंट बी, यही आता आंसर आ गया भैया। है आईटी क्या लाइक है ये क्वेश्चन, आईटी नहीं है, आसान है क्वेश्चन, सिंपल। अबे था तो ये आईटी का, लेकिन प्रूफ करने की फॉर्म में दे रखा है, प्रूफ करने वाले नहीं आते, पहले होती थी सब्जेक्टिव, आईआईटी स्क्रीनिंग होती थी, तो आईआईटी मतलब जब मेरे से भी पहले, बहुत पहले की बात हो 2005-08 में, तब आईआईटी सब्जेक्टिव में भी एक पेपर होता था, आईआईटी स्क्रीनिंग जो होती थी। हो गया भाई, अच्छा 38 क्वेश्चन, हो गया ठीक है भैया, हो गया वाला क्वेश्चन, अभी कितना टाइम इतना 7 मिनट है, एक क्वेश्चन और हो जाएगा। ये वाला एनसीईआरटी का सबसे गदर क्वेश्चन है, बढ़िया एक नंबर का 42 43 यार, सोल्यूशन नेक्स्ट पेज पे। ठीक है भैया, क्वेश्चन अभी मैंने पीछे करा था तो मेरे को याद ही हो गया। ठीक है, दो मास है, एक का मास m है, दूसरे का मास क्या है 4m है, क्या है m और 4m, दोनों के सेंटर के बीच की दूरी क्या है 6r, क्या है दोनों की रेडियस r है, क्या है m के सरफेस से एक छोटा सा मास स्मॉल m फेंका जाता है, कहाँ फेंका जाता है 4m की तरफ, कहाँ फेंका जाता है, कह रहा है आप स्मॉल m को कितनी मिनिमम वेलोसिटी दो कि वो कहां पहुंच जाए 4m के ऊपर, कहां पहुंच जाए, समझ गया, आप स्मॉल m को कितनी वेलोसिटी दो कि कहां पहुंच जाए 4m के पास, क्वेश्चन समझ में आ गया। अब देखिए इस क्वेश्चन को कॉपी कर लेना और सॉल्यूशन देख लीजिए कैसा होगा, सेव कर दिया मैंने इसको, कर दिया, दोबारा कर लेते हैं, क्या दिक्कत है, ठीक है। अब बात करते हैं भैया मास के एम कैपिटल है, एक तो मास ये क्या था 43 था ना, 43 मास एम का रेडियस आर थी, इसके सेंटर से 6 आर डिस्टेंस पर मास क्या है 4m है और रेडियस क्या है आ रहा है, ठीक है, अपने को इसकी सरफेस से एक मास फेंकना है स्मॉल m v वेलोसिटी से, ताकि वो कहाँ पहुंच जाए 4m की मिनिमम वैल्यू बताओ, 4m की व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ 4m, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ v, आपको v की मिनिमम वैल्यू बतानी है। अच्छा एक चीज देखिए आप, मैं आपको बता दूं कि दो मास के बीच में, दो सेलेस्टियल बॉडी के बीच में
एक पॉइंट होता है जहां पर दोनों की ग्रेविटी क्या होती है, जीरो हो जाती है, उसे लैग्रेंज पॉइंट कहते हैं, न्यूट्रल पॉइंट कहते हैं। उस पॉइंट पर दोनों की ग्रेविटी क्या होती है, बराबर होती है। जैसे पी पॉइंट दिख रहा था, मैं पी पॉइंट की बात कर रहा था, तो पी पॉइंट पर दोनों की ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी क्या होती थी, बराबर हो जाती थी, जीरो हो जाती थी। क्या होती थी? ऐसे ही भी है, इंटेंसिटी एक ऐसा, इन दोनों मास के बीच में एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पर दोनों की इंटेंसिटी क्या होगी, जीरो। तो यदि मैं अगर उस पॉइंट की बात करूंगा, तो ये स्मॉल एम यदि उस मास पॉइंट पे पहुंच जाएगा, तो आपको पता है उस पी पॉइंट पर दोनों की इंटेंसिटी जीरो होती है। यानी दो, देखिए सुन लीजिए, यहां पर एक बात बताऊंगा मैं आपको। अगर मान लीजिए वो पॉइंट ये रहा, न्यूट्रल पॉइंट ये रहा, जहां पर उनकी इंटेंसिटी क्या हो रही है, जीरो हो रही है। इस एन पॉइंट पर क्या है भैया, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ, ठीक है, मान लीजिए ये रहा पॉइंट, इधर नहीं बनेगा वैसे, इधर बना दो, ये रहा पॉइंट जहां पर क्या है भैया, दोनों की ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी क्या, जीरो आ रही है। अगर मैं इस मास को इस पॉइंट पर पहुंचा दूं, तो आपको पता है इस पॉइंट पर इसकी इंटेंसिटी क्या होगी, जीरो हो जाएगी, इसकी क्या होगी, जीरो हो जाएगी, दोनों बराबर थे। लेकिन यदि मैं इधर ये पॉइंट पर, अगर ये वाला मास इस पॉइंट पर पहुंच गया है, तो आपको पता है जो एम है उसकी इंटेंसिटी तो उस पर जीरो हो जाएगी, लेकिन फोर एम वाले की क्या होगी, स्टार्ट होगी। आप कुछ तरीके समझिए, इस पॉइंट पर अगर आप इस पॉइंट से इधर जाओगे तो इसकी इंटेंसिटी स्टार्ट हो जाएगी, और इस पॉइंट से इधर जाओगे तो इसकी इंटेंसिटी स्टार्ट हो जाएगी। अगर जो आपका स्मॉल एम है किसी की इंटेंसिटी के अंदर पहुंच गया, तो वो उसकी तरफ क्या होगा, खींचा चला जाएगा। समझिए भैया, तो स्मॉल एम को आपको पहुंचाना कहां पर है, एन तक। जैसे ही आप स्मॉल एम को कैपिटल एम से एन तक पहुंचा दोगे, वैसे ही क्या होगा, वो वाला मास क्या करेगा, अपने आप उसको क्या करेगा, खींच लेगा। समझ गए भैया, आपको स्मॉल एम को कहां तक पहुंचाना है, एन तक। आपको इतनी वेलोसिटी देनी है ताकि वो कहां पहुंच जाए, एन तक। जैसे ही वो एन तक पहुंच जाएगा, उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो, क्या हो जाएगी। और आपको पता भैया, उसके पास थोड़ा इनर्शिया होगा, तो इसलिए वो एन पॉइंट पर रुकेगा नहीं, थोड़ा सा आगे बढ़ेगा। और जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ा, तो इसकी ग्रेविटी क्या होगी, चालू हो जाएगी, और उसकी ग्रेविटी क्या करेगी, अपने आप उसको खींच लेगी। अगर इस क्वेश्चन को आप डायरेक्टली करने जाओगे, तो आपसे कभी नहीं होगा ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन लॉजिकल वाला है कि आपको स्मॉल एम को कहां तक पहुंचाना है, एन तक। जैसे ही आप एन पे पहुंचाओगे, तो एन पे पहुंचने के साथ ही एम का इन्फ्लुएंस उसके ऊपर क्या होगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन आपको पता है उस एन पे पहुंचने के बाद बॉडी एकदम से रुकेगी नहीं, इनर्शिया होता है ना बॉडी के पास, इनर्शिया ऑफ मोशन था, थोड़ी सी जैसी आगे निकली वैसी क्या हुआ, फोर एम की ग्रेविटी चालू होगी, और फोर एम ने क्या किया, उसको अपनी तरफ खींच लिया। समझ गए भैया, तो अपने को पहचाना कहां पर है, स्मॉल एम को एन तक पहुंचाना है। ठीक है यार, ये क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, टाइम खत्म हो गया। समझ में आ गया भाई, समझ में आ गया ना। तो अपने को इस मास को यहां तक पहुंचाना, उसके बाद इसकी ग्रेविटी खुद ब खुद क्या करेगी, वो खींच लेगी। ठीक है, तो इसकी इंटेंसिटी क्या होगी, इस मास की इंटेंसिटी क्या होगी, इस पॉइंट पर इसको ए ले लो और इसको ले लो बी, तो इस मास की इंटेंसिटी क्या होगी, इधर आएगी, आई है, इसकी क्या होगी, आई बी। इस पॉइंट की दूरी मैंने इससे ले ली एक्स, क्या ले ली, तो उससे क्या होगी, सिक्स आर माइनस एक्स, बोलो। हाँ, क्योंकि दोनों के बीच की दूरी क्या है, तो इंटेंसिटी आई है बराबर में आई बी, तो इससे हमें एंड पॉइंट की पोजीशन पता लग जाएगी। एंड पॉइंट की पोजीशन क्या होगी, जी मास क्या है, एम, दूरी कितनी है उससे, एक्स स्क्वायर, जी मास कितना है वो फोर एम, उसकी दूरी कितनी है, सिक्स आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, जी से जी कैंसिल, एम से एम क्या हुआ, कैंसिल हो गया, तो ये इधर आएगा सिक्स आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर, और ये क्या होगा, फोर, इसको सॉल्व करोगे स्क्वायर उधर जाएगा, तो सिक्स आर माइनस एक्स।